हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज देखिए, मेरा महालक्ष्मी का व्रत है और पूजन सामग्री मैंने रख ली है। मैंने क्या क्या बनाया है वो सब मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो चलते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बेसन और आटे के जो गहने भगवान के लिए बनते हैं वो बना लिए हैं। और महावत की हमारे इधर पूजा की जाती है, हाथी की, तो इस तरीके से उनके गहने बनते हैं। देखिए, आटे और बेसन के दोनों तरीके के मैंने बना लिए हैं और ये पूड़ियाँ भी बनती हैं जो भगवान को भोग लगता है इनका, तो बेली जा रही हैं। मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना कि व्रत वाले दिन हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा पाई। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने अलग अलग डिज़ाइन के, जिस तरीके की आपको अच्छी लगे उस तरीके की हमने अलग अलग डिज़ाइन के बना लिए हैं। ये देखिए, भगवान का हार देखिए कितना सुंदर है, और मैंने अलग अलग डिज़ाइन का जो भी कुछ समझ में आया सब कुछ बनाया, बिछिया, चूड़ी, बिंदी, जो भी समझ में आया सब कुछ, तो इसी तरीके से मैंने बना लिया, फ्राई कर लिया। अब देखिए, ये दो थाली मैंने लगाई हैं, इसमें देखिए क्या क्या सामान है, पूड़ियाँ और खीर, ये सब कुछ हमने रख लिया है भोग के लिए। और इसमें चूड़ी, बिंदी, लाख, जो भी आपके पास हो फ्रूट, क्योंकि भगवान को केला और ककड़ी बहुत प्रिय है तो वो मैंने रख लिया है। अब चलिए पूजा करने के लिए चलते हैं। देखिए, भगवान की स्थापना हमने कर दी है। ये मिट्टी के बने हुए भगवान रहते हैं, उनकी मूर्ति रहती है हाथी की, तो ये रख दी है। और ये आटे के बने हुए दीपक इनमें जला दिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट बंद कर दी थी हम लोगों ने, क्योंकि इनको जब भी जलाते हैं तो हमारे इधर लाइट बंद करके इनका उजाला रोशनी की जाती है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान। इसी तरीके से हमने इनको सजा दिया। अब हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भगवान को भोग प्रसाद जो है चढ़ा रहे हैं, कलश की स्थापना कर दी है जैसे पूजन विधि की जाती है उस तरीके से। और सब चीज़ के लिए अब ये एक कहानी बोली जाती है 16 बार, वो मैं आपको दूसरी वीडियो उसका सेपरेट बना करके दूंगी। तो वो बोलते हैं और एक एक चावल को जो है अपने कलश में डालते जाते हैं, इसी प्रकार एक एक दाना उठाते हैं और बोलते जाते हैं और कलश में डालते जाते हैं। तो 16 बार ये एक चीज़ की जाती है। और ये व्रत जो है सुहागनें रखती हैं, सभी लोग रखते हैं मगर बट सुहागनों के लिए है, क्योंकि ये भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है इसमें, कि भगवान हमारे पति और पुत्र दोनों को अच्छा रखे, हमारी जो संतान है वो सुखी रहे, तो उसी तरीके से इसलिए इसकी पूजा की जाती है। मैंने भी इसीलिए रखा है, जब सब रखते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं है जिस काम को करने में, तो बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की बात मानने में भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, है ना। इसीलिए जो बड़े कहते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, और इससे हमारी परंपराएं भी चलती जाती हैं, तो हम भी अपने बच्चों को बताएंगे। ये कोई वो नहीं है कि नहीं मैं पढ़े लिखा हूँ तो ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। तो ये देखिए, मम्मी जी मेरे को पैसा दे रही हैं। अब इस तरीके से हाँ, थाली में सारा कुछ डाल के पूरा हम लोगों ने सभी कुछ जो भी डालना था या लगाना था वो सब कुछ कर दिया है। ये आहुति भी दे दी है देखिए अंतिम। और इसके बाद में अब हम लोग हाथ धो के, जो भी प्रसाद और जिस चीज़ में हाथ हो गए थे तो उनको धो के एक थाली में कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में पूजा के बाद में हाथ धुलाई की जाती है हमारे इधर, तो इसीलिए देखिए सब कुछ आहुति दे रहे हैं और मैं बोलती जा रही हूँ और मम्मी आहुति देती जा रही हैं, कहीं कहीं भूल भी रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी आहुति देने के लिए नाम याद नहीं आते हैं। और बच्चे देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं बच्चे, देखिए मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं क्योंकि आगे कम हो गई थी तो वो आगे देने के लिए आए थे। देखिए धुआँ कितना उठ रहा है, मम्मी जी घी डाल रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग घर में दोनों सास बहू मिल करके अच्छे से पूजा कर लेते हैं और खुशी खुशी। ये देखिए अब संपूर्ण आहुति हो गई है, जो भी फूल वगैरह थे हमने भगवान को अर्पित करके और पैसे वगैरह जो भी है हमारे पास वो सब कुछ हो गया है। अब पूजा विधि संपन्न हो गई है, अब आरती होगी। इसके बाद में देखिए मैं मम्मी जी के पैर पड़ रही हूँ और उनको जो श्रृंगार का सामान मैंने दिया है, हमारे इधर देते हैं सुहागने हमारी अपनी सासू माँ को, जो भी आपसे बने चूड़ी, बिंदी, कपड़े, जो भी आपकी इच्छा हो, सोना चांदी, गहना, जितना भी जिसके पास हो उस हिसाब से देते हैं। तो मम्मी जी वही रख रही हैं सारा सामान अपना, अब खड़े होकर आरती कर रहे हैं। देखिए बेटा जी आ गए, बोले मैं पहले आरती करूँगा, तो ये वही कर रहे हैं। और धुआँ देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मम्मी जी ने घी और उसमें धूप बत्ती जो है बहुत डाल दी है। इसी तरीके से जब पूरे घर में खुशबू महक हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ
आज तो आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई है। देखिए हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं, मम्मी जी आरती कर रही हैं और मैं जो है आरती गा रही हूँ, और बच्चे देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं। अब मैं आरती कर रही हूँ, मेरा बेटा गा रहा है, वो मेरा साथ देता है पूरा, बहुत इंटरेस्ट है उसको भी पूजा पाठ में। तो ये हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है, देखिए आग लो कितनी तेज़ हो गई है कपूर की। तो ये मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ, ये मेरे ससुर जी की जगह है, यहाँ पर वो बैठते हैं, टीवी देखते हैं, उनका मंदिर भी यहीं पे है, तो यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और वो बैठते हैं, तो हम लोग बस पूजा करने के लिए आते हैं। इस तरीके से पूजा हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाथी पूजा और महालक्ष्मी पूजा की व्रत विधि को ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय।